गोंदिया में श्री गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा साहिब सरेखा बालाघाट मध्य प्रदेश से करीब 130 श्रद्धालुओं का जत्था अमृतसर में श्री दरबार साहिब गोल्डन टेंपल के दर्शनों के लिए गोंदिया से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से रवाना हुआ। जत्थे में सिख, सिंधी एवं हिंदू समाज के श्रद्धालु शामिल हैं। दर्शन यात्रा जत्था हरिद्वार होते हुए 23 जून को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से वापस गोंदिया पहुंचेगा। बालाघाट से जत्थे को प्रमुख रूप से कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्याम पंजवानी, सिंधी पंचायत समिति अध्यक्ष अमरलाल मंगलानी, अशोक बजाज, इंदरचंद बजाज, नारायण नथानी, भजन सिंह तेजवानी आदि द्वारा गोंदिया के लिए बस से रवाना किया गया। गोंदिया रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालु यात्रियों के लिए चाय नाश्ते की सेवा के साथ पार्सल लंगर की भी व्यवस्था की गई। चाय नाश्ते की सेवा गोंदिया से गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा एवं समूह सिख, पंजाबी एवं सिंधी समाज द्वारा की गई है। पार्सल लंगर की सेवा सिमरनदीप सिंह होरा परिवार एवं संगत द्वारा की गई है। जसपाल सिंह चावला ने गुरुबानी शब्द कीर्तन गायन कर संगीत को निहाल किया। लंगर सेवा के दौरान रेलवे स्टेशन में बोले सो निहाल सत श्रीया अकाल के जयकारों एवं गुरबानी शब्द से कीर्तन गूंज उठा। इस अवसर पर दर्शन यात्रा जत्थे के मुख्य सेवादार गुरुदयाल सिंह रामानी, विनोद तेजवानी, जसपाल सिंह चावला, हरपाल सिंह संधु, हरिराम बेलनी, सिमरनदीप सिंह होरा, राजेश बुधवानी, लक्ष्मण लधानी, मनोज चंदवानी, महेश तेजवानी, सौरभ मखीजा, ठाकुरदास खानचंदानी, प्रकाश बुधनानी, दिनेश बुधनानी, भेरुमल गोपलानी आदि उपस्थित थे। संगत जो है, श्रद्धालु जो है, इस हफ्ते में श्री अमृतसर साहब, दरबार साहब, गोल्डन टेंपल और हरिद्वार के दर्शन करते हुए वापिस 23 जून को गोंदिया पहुंचे। बहुत ही अच्छा उपराला आयाराम संगठन द्वारा किया गया है और कोषाध्यक्ष विनोद तेजवानी जी, जो मेरे मित्र हैं, परम मित्र हैं और भाई भी हैं और ये हमेशा सहयोग करके हम साथ में चलते ले जाते हैं। इसके पूर्व मैं लेके गया था जनता, इस बार ये लेके जा रहे हैं जनता और बहुत खुशी हो रही है। इतना संगत का इफेक्ट देख के जो संगत है वो गुरु साहब के दर्शनों के लिए जा रही है और इसका जो पुण्य है वो विनोद तेजवानी जी को जरूर मिलता है, क्योंकि गुरु के दर्शन कराना ये बहुत जो है पुण्य का काम है। आप जब बीसी न्यूज गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।